अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज आपको फौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने चिकन, मटन, पनीर और एग का कौरमा तो काफ़ी खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोभी के कौरमे की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 350 ग्राम गोभी ले लिया है और ये कुछ मसाले, इसे हमें पीसना है। ये मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून मेलन सीड्स और 1/2 टेबलस्पून डेजिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास डेजिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप 1.5 इंच का एक कोकोनट का पीस ले लें और इन दोनों का हमें पेस्ट बना लेना है। और साथ ही में ये मैंने लिया है 1/2 कप ब्राउन प्याज। मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली और इसे ब्राउन कर लिया है और इसे भी हमें क्रश कर लेना है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार सा गोभी का कोरमा। तो पैन में मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो ऑयल है ना, इसी में मैंने जो है ना प्याज को ब्राउन किया था। तो अब इसमें हम सबसे पहले गोभी को फ्राई कर लेंगे। तो जो गोभी के पीसीज है ना, उसे इसमें ऐड कर देते हैं। और इसे करीब 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। तो ये देखिए गोभी जो है ना फ्राई हो चुका है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो अब इसी ऑयल में मैं ऐड कर ले रही हूँ साबुत खड़े गरम मसाले। तो मैंने 1/2 इंच का सिनेमन स्टिक का पीस लिया है, 3 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च और 2 हरी इलायची ली हैं। इसे कुछ सेकंड के लिए इसमें पका लेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हमें भून लेना है। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 हरी मिर्च। मैंने हरी मिर्च को जो है ना बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसे अदरक लहसुन के साथ जो है ना अच्छे से भून लें। और फ्लेम को जो है ना मैंने स्लो किया हुआ है। तो ये देखिए अदरक लहसुन जो है ना बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसमें हम ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे और फ्लेम को जो है ना बिल्कुल स्लो कर देंगे, क्योंकि अगर ड्राई स्पाइसेस ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो वो एकदम से जल जाएंगी। तो ये मैंने लिए 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। 1/2 टी स्पून मैंने लिया है रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर। और नमक जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। इन सबको डाल देंगे। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इसे कुछ सेकंड के लिए जो है ना इसमें भून लेते हैं। तो ये देखिए मसालों को मैंने भून लिया है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे डेजिकेटेड कोकोनट और मेलन सीड का पेस्ट। और साथ ही में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून दही। और इन सबको बहुत अच्छे से हमें भून लेना है। तो ये देखिए मसाला जो है ना बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, जो ब्राउन प्याज हमने क्रश करके रखी थी ना, इसे ऐड कर देंगे इसमें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये देखिए प्याज को जो है ना मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून शक्कर, जो हमने दही डाला था ना उसके खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए। इससे ये मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा, जो दही का खट्टापन है ना वो जो है ना इसमें अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। और अब इसमें ऐड कर देंगे गोभी, जो हमने गोभी फ्राई करके रखे थे, इसे ऐड कर देना है। और इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए गोभी में जो है ना मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें ऐड कर देंगे दूध। ये मैंने पूरा 1 कप दूध लिया है, इसे इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही क्रीमी सा कोरमा बनेगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर दें एक बार। और अब इसे हम कवर करके अच्छे से पका लेंगे। गोभी को हमें गला लेना है अब। तो अब मैं इसे करीब 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से पका लेती हूँ। जब ये पक जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गोभी का कोरमा बनते हुए हो गए पूरे 10 मिनट। तो अब इसे हम चेक कर लेंगे कि ये गला कि नहीं गला। और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। और इसका आप कलर देखें कितना प्यारा सा आया। तो एक बार चेक कर लें। तो देखिए गोभी जो है ना बहुत ही आसानी से टूट रहा है, ये गल चुका है। तो अभी इसमें हम बाकी की चीज़ें और ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और मैंने 1 पिंच जायफल का पाउडर लिया है, इससे इसमें खुशबू अच्छी आएगी। इसे ज़रूर ऐड करें। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टी स्पून देसी घी और थोड़ी सी जूलियन जिंजर और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये कोरमा बनता है, तो आप लोग ज़रूर बनाएं। और
अब मैं इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रख देती हूँ और फ्लेम को जो है ना बंद कर देंगे। 5 मिनट में जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसे सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ। तो इस मज़ेदार से गोभी के कौरमे की रेसिपी को आप लोग अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनता है और बन भी जल्दी जाता है। तो जल्दी जल्दी से इस टेस्टी सी रेसिपी को आप लोग अपने किचन में बनाएं और बनाने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लग रही हैं। और देखते रहें मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही में मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंजॉय करें मज़ेदार सा गोभी का कौरमा। विश शिवाज किचन। थैंक यू।